राजस्थान भारत में अपना अलग ही स्थान रखता है। उनमें से राजस्थानी स्थापत्य कला का अनूठा प्रदर्शन भारतीय स्थापत्य कला में भी अपनी छाप रखता है। राजाओं द्वारा करवाए गए इन महलों, दुर्गों आदि का निर्माण अलग अलग शैलियों में हुआ है, जिनमें से कुछ राजस्थानी शैली तो कुछ मुगल भारतीय शैली में भी बनाए गए हैं। उनमें से आज हम प्रमुख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनमें से नंबर एक पर है आमेर का किला। आमेर का किले का निर्माण प्राचीन राजाओं ने, कुशवाहा राजा गोला राय ने करवाया था। यह राजस्थानी किलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह राजस्थान की राजधानी जयपुर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी में है। वर्तमान में यह एक पर्यटन स्थल की तरह भी प्रयुक्त होता है। इसमें देखने योग्य जैसे जगत शिरोमणि मंदिर है, जहाँ भक्त मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। इसके अलावा दीवाने आम भी यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। नंबर दो पर है जयगढ़ का किला। जयगढ़ के किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में करवाया था। यह जयपुर में स्थित है। इसमें रखी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप के रूप में विख्यात है। नंबर तीन है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ के किले का निर्माण भी सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में शुरू करवाया था, लेकिन इसे पूर्ण सवाई राम सिंह ने 1868 ईस्वी में किया था। यह भी जयपुर में ही स्थित है। इसका अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है। यह भी एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रयुक्त है। नंबर चार पर है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में करवाया था। वर्तमान में यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह एक अति विशिष्ट स्थल है। इसमें राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ बनवाए गए हैं। इसकी ऊंचाई 1780 फीट है, जो अधिक है। नंबर पाँच है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। इसकी नींव 13 मई 1459 को राव चौदह द्वारा रखी गई थी। इससे जोधपुर शहर का नज़ारा पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। यह एक प्राचीन किला है, जो राजस्थान स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण है।